हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स एम स्टूडियो में सियासत बैठ कौशल के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपको फ्रेंड्स अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है, हम सारे डिस्कस वीडियो में कर लेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, गूगल ऑन कर रखा है मैंने। यहाँ पे मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ दोस्तों, सियासत हेड कोस्टल मिनिस्टर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। सर्च पे क्लिक कर दिया मैंने, फिर नीचे आ जाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, सियासत हेड कोस्टल सिलेबस। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। अभी इतना करने के बाद दोस्तों अब नीचे आ जाइए। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सियासत हेड कोस्टल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2019। इसमें दोस्तों आप किस में पोस्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 429। ठीक है, फिर नीचे देखिए, सियासत एडमिट कार्ड रिलीज डेट 1 जून। दोस्तों आपके एडमिट कार्ड मतलब शायद अब तक आ गए होंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स आपके फिजिकल भी स्टार्ट हो चुके हैं अभी। और दोस्तों आपके फिजिकल के बाद आपका इसमें एग्जाम पेपर होना है, मतलब रिटर्न टेस्ट होना है इसमें, जो कि सीवीटी बेस में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और हाँ, जिन मेरे फ्रेंड्स को फिजिकल के बारे में नहीं पता है, वो मुझे कमेंट कर दीजिए गाइज, आपका फिजिकल किस प्रकार से होगा, आपसे वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ से मांगे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं उससे रिलेटेड आपकी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सियासत हेड कॉन्स्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, आपका फर्स्ट नंबर दोस्तों आपका देख रहे हैं यहाँ पे PST होना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। बाद में दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे दोस्तों, फिर बाद में आपका रिट में दोस्तों रिटर्न टेस्ट मांगा जाएगा आपसे, फिर बाद में दोस्तों स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट दोस्तों हिंदी में आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नीचे देखिए, सियासत एग्जाम पैटर्न 2019 फॉर SC रिटर्न टेस्ट। दोस्तों इसमें आपके सब्जेक्ट की बात की जाए, आपका जो सिलेबस दोस्तों में 4 पार्ट में बांटा गया है आपके सब्जेक्ट इसमें। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर देखिए फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। फ्रेंड्स आपका मेन प्ले रोल यही करता है दोस्तों, आपका मतलब जिस पे दोस्तों आपकी पकड़ ज़्यादा हो, आप वही सिलेबस वहाँ पे चेंज करना। आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे दोस्तों, आप इंग्लिश करना चाहते हो, हिंदी करना चाहते हो, इन दोनों में से दोस्तों आपको एक करनी है। 25 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के मिलेंगे दोस्तों वहाँ पे, 25 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन दोस्तों आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के मिलेंगे दोस्तों। आपकी मर्जी, आप हिंदी करो या इंग्लिश करो। ठीक है, आपके टोटल क्वेश्चन इसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे के लिए दोस्तों आपके। ठीक है, 2 घंटे में दोस्तों आपका पूरा पेपर सोल्व करना है, 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में दोस्तों सोल्व करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, द रिटर्न टेस्ट विल बी आइदर OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोस्तों आपका इसमें पेपर जो होना है वो ऑफलाइन नहीं, मतलब दोस्तों इसका पेपर जो आपका होगा दोस्तों ऑफलाइन नहीं होगा, आपकी बार ऑनलाइन होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT आपका टेस्ट होना है इसमें आपकी बार। ठीक है, पहले का इसमें आपका ऑफलाइन पेपर होता था, मतलब आपको पेपर मिलता था वहाँ पे, आपको मतलब पेन से आपको मतलब फिलअप करने पड़ते थे वहाँ पे गोलधारे। लेकिन दोस्तों आपकी बार दोस्तों आपको ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको दोस्तों आपका आपकी बार पेपर जो होना है ऑनलाइन होना है। ठीक है, नीचे आ जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे द सियासत हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। दोस्तों आपके दोस्तों आपको मैंने बता दिया आपके 4 स्टेज में से आपके ये मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग के बारे में। अभी दोस्तों आपके रीजनिंग में आपसे कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, तो फ्रेंड्स रीजनिंग में दोस्तों आप देखिए, एनालॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग से पूछे जाएंगे, स्पेक्टिकल ओरिएंट से पूछे जाएंगे दोस्तों, डायरेक्शन से पूछे जाएंगे, सिमिलरिटी से पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज से पूछे जाएंगे दोस्तों, अल्फाबेट सीरीज से, ऑब्जर्वेशन से, विजुअल मेमोरी, डायग्राम सीरीज। फ्रेंड्स आप ये चैप्टर देख लीजिएगा, ठीक है, आराम आराम से पढ़ के आप आराम से इस वीडियो को मैं मतलब पॉज कर देता हूँ यहाँ पे, आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो आप पॉज करके फिर नीचे देखिए, सियासत हेड कॉन्स्टेबल सिलेबस फॉर जनरल नॉलेज। दोस्तों आपके इसमें जनरल नॉलेज की बात की जाए, तो आपका दोस्तों जो अहम भूमिका दोस्तों करंट अफेयर्स। ठीक है, आप दोस्तों करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, नेशनल इंटरनेशनल दोस्तों कहाँ का कौन CM है। ठीक है दोस्तों, कहाँ मतलब दोस्तों मतलब कहाँ पे को आप जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देश में क्या चल रहा है, कौन सा बांध किस नदी पे बना हुआ है दोस्तों, सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो नए नए क्वेश्चन आपके नेशनल लेवल पे जो होते हैं। ठीक है,
और दोस्तों देखिए इकोनॉमी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, कल्चर से पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट से पूछे जाएंगे दोस्तों, ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से पूछे जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे दोस्तों, साइंस से पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपसे इन सब के चैप्टर में से जीके में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज में। ठीक है, सियासी वेट कॉन्स्टेबल सिलेबस फॉर जनरल इंग्लिश और हिंदी। दोस्तों बात हमसे इंग्लिश की कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपसे दोस्तों ग्रामर में दोस्तों टेंसेस पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब दोस्तों आपको एक मतलब कि पहरा दे दिया जाएगा, उसके दोस्तों आपको आंसर देने हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है कॉम्प्रिहेंसिव तो आपका। और दोस्तों नीचे देखिए एंटोनिम पूछे जाएंगे दोस्तों, एरेड डिक्शन पूछा जाएगा आपसे, फिल इन ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, सिनोनियम ट्रांसलेट फॉर सेंटेंसेस पूछे जाएंगे दोस्तों, प्रेजिज एडियम एंड प्रेजिज जो होते हैं दोस्तों आपसे वो पूछे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अर्थमेटिक एबिलिटी दोस्तों, इसमें आपकी मैथ की बात की जाए तो फ्रेंड्स आपका मैथ भी इसमें बहुत मतलब कि बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो फ्रेंड्स मैथ में देखिए आप यहाँ पे नंबर सिस्टम आपको करके जाना है, होल नंबर्स आपके होने चाहिए, डेसिमल करना दोस्तों, फ्रैक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परसेंटेज में पूछे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों जो आप देख रहे हैं परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों, इनके बिना तो आपका पेपर बनेगा ही नहीं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर मतलब कि दोस्तों सिलेबस है आपका जो ये देख रहे हैं आप मैथ का दोस्तों, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस दोस्तों, ये दो चैप्टर तो आपको करके ही जाने हैं दोस्तों, एक एवरेज दोस्तों। ठीक है, इन टाइम एंड वर्क ये दोस्तों आपके चार पांच चैप्टर दोस्तों, जिनमें से आपका मतलब तकरीबन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मतलब आपको बता देता हूँ दोस्तों मैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोफेशन, टाइम एंड वर्क दोस्तों, ये पाँच चैप्टर दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैं फ्रेंड मिस्टर एंड एलिगेशन आपसे पूछा जाएगा, डाटा इंटरफेक्शन पूछा जाएगा आपसे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका मैथ का सिलेबस आप इसमें आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका दोस्तों जनरल इंग्लिश का है। ठीक है, और दोस्तों आपका ये जनरल रीजनिंग का है दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों बात कर लें आपकी टाइपिंग के बारे में दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि तुम्हें टाइपिंग स्पीड बिल्कुल नहीं आती है, फिर टाइपिंग के लेकर बहुत दोस्तों मतलब बहुत कुछ रहता है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड मतलब बहुत कम आती है, फिर किसी को तो करने भी नहीं आती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इस मतलब आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा दोस्तों, आप जब टाइपिंग करते हैं गाइस, एक तो दोस्तों अपनी टाइपिंग को दोस्तों अपने हाथ ऊपर उठा के टाइपिंग करें, कंप्यूटर मतलब दोस्तों मतलब कीबोर्ड पे मतलब कई दोस्त क्या कहते हैं मतलब कोई लोग करते हैं कि मतलब कीबोर्ड के ऊपर बिल्कुल पूरे हाथों को मतलब जचा लेते हैं, मतलब ऊपर हाथ नहीं उठाते, बिल्कुल मतलब नीचे डाल के हाथ करते हैं। आपको ऐसी टाइपिंग नहीं करनी है गाइस, आपको हाथ ऊपर उठा के टाइपिंग करनी है फर्स्ट बात। ठीक है, और दोस्तों सेकंड बात दोस्तों, अपनी टाइपिंग स्पीड दोस्तों आपको आपको इंक्रीज करनी है दोस्तों, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें दोस्तों, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, आराम से टाइपिंग करें गाइज, ज़्यादा बर्डन लेके टाइपिंग ना करें। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे बच्चे फेल क्यों होते हैं दोस्तों, आप मतलब अगर फेल हो गए दोस्तों खुद की कमी से हो गए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे लोग दोस्तों ज़्यादा मतलब कि हड़बड़ी कर जाते हैं, मतलब कि कहते हैं ना कि ज़्यादा दोस्तों वहाँ पे क्या आपको क्या बोलते हैं दोस्तों, हेरिटेशन को बोलते हैं हम दोस्तों, लोग हेरिटेशन में होके दोस्तों आप वहाँ पे मतलब फेल हो जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको टाइपिंग दोस्तों आपको इसमें मतलब कि सॉफ्टवेयर में टाइपिंग नहीं करनी है आपको इसमें, आपको गाइज मतलब घर पे आपके पास दोस्तों कोई पेपर होगा या फिर आपको मतलब कोई पेज लेना है, आपको उसमें से देख के दोस्तों जब आपको नोट पैड या एमएस वर्ड में टाइपिंग करनी है, आपको दोस्तों बहुत कम टाइपिंग करनी है सॉफ्टवेयर में, आपको तकरीबन टाइपिंग करनी है गाइज पेज में से देख के। ठीक है, और गाइज आपको मैं बता दूँ वहाँ पे आपकी मिस्टेक माफ़ नहीं होगी दोस्तों, आप मतलब वहाँ पे आपको बैक स्पेस भी नहीं दिया जाएगा गाइज, आपकी ओनली पास मिस्टेक माफ़ है गाइज, आपकी जो एक्यूरेसी 95% आपकी एक्यूरेसी में होनी चाहिए, कम से कम 95 से नीचे आपकी एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए, या फिर आपकी एक्यूरेसी दोस्तों 100 हो तो वो सही रहेगी। ठीक है, और गाइज इसमें आपको बैक स्पेस नहीं दिया जाएगा, तो दोस्तों जितना ध्यान रखें दोस्तों आप अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दें गाइज, अपना एक्यूरेसी ठीक करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है ना गाइज वो चल जाएगी गाइज। ठीक है, 35 वर्ड मतलब 35 वर्ड पर मिनट आप निकाल दोगे फ्रेंड्स, वो सही है आपके, लेकिन दोस्तों अगर आप वहाँ पे मिस्टेक ज़्यादा कर लेते हो तो दोस्तों सब काम खराब हो जाएगा उसी टाइम गाइज। अगर आप मतलब कि वहाँ पे 40 की स्पीड मार देते हो फिर 50 की मार देते हो, कोई फ़ायदा नहीं है आपका, आपको ओनली उनको दोस्तों ओनली 35 वर्ड पर मिनट चाहिए गाइज, आपकी एक्यूरेसी सही के साथ मतलब आपकी एक्यूरेसी एकदम 101% होनी चाहिए गाइज। ठीक है, तो गाइज अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड मुझसे कोई भी बात पूछनी हो गाइज, आपको टाइपिंग के बारे में कुछ भी पूछना है, फिर आपको मतलब दोस्तों आपकी टाइपिंग बिल्कुल ख़राब है, मैं आपसे दोस्तों टाइपिंग के मतलब मैं आपके लिए टाइपिंग से रिलेटेड आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा फ्रेंड्स, आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाता ही रहता हूँ। एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।